ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि मेरे चैनल पर इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स से संबंधित वीडियो को मैं दिखाना पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मैं शायद अपने आप को वीडियो अपलोड करने से नहीं रोक पाता हूँ। तो उसमें से एक चीज़ ये है किंडल। ये अमेज़न पर अवेलेबल होता है, इसको ई बुक रीडर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या एक यूनिक इसकी आइडेंटिटी है वो ये है कि ये डिजिटल इंक पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी बैटरी जो है आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी चल सकती है। तो ये इसका बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। बॉक्स कुछ इस तरीके से है और ये ई बुक रीडर नाम से मशहूर है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हमारा। तो आइए जल्दी से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, तो इस तरीके से ये हमारे पास मेन यूनिट हमारे सामने आ गई। बॉक्स को सेट कर दे रहे, ये इस तरीके से यूनिट है। देखिए आप, सामने से कुछ पेपर जैसा फील होता है, जैसे कि ये पेपर है, ये ऐसा कुछ है। पीछे से इस तरीके से आपको प्लास्टिक बॉडी में, देखिए आप, अमेज़न पे अवेलेबल होता है। अब अमेज़न पे अवेलेबल होता है। ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। मैं इनपुट वोल्टेज फोकस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से है कि आपको 5.25 वोल्टेज पर जो है 500 mA की जो है करंट आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये वाईफाई वर्जन है, विदाउट वाईफाई भी किंडल्स आते हैं, बुक रीडर्स आते हैं। इसमें दो वेरिएंट्स होते हैं। एक हमारा होता है जो कि जिसमें हमारी इसमें लाइट बैक लाइट होती है, ये वाला विदाउट बैक लाइट है। इसमें कोई पीछे से मेरे को लाइट मुझे लाइट नहीं मिलने वाली है। सो अब देखिए जल्दी से, ये हमारा जो है इसका पावर बटन है, इसको दबा के देखिए। देखिए तो इस तरीके से कुछ ये जो है दिखता है। आप देखिए कैसा आपको ये देखने में लग रहा है। इस तरीके से ई बुक रीडर है। अगर मेरे पास यहाँ पर, आप इसमें स्टोर से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इसमें कुछ बुक्स डाउनलोड कर रखी हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं प्रेमचंद जी की कोई भी बुक ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट स्वाइप करने पे जो हम इजीली किताब को, इसको बुक को जो है बुक को रीड आउट कर सकते हैं। और जूम करना होगा तो बेसिकली इस तरीके से जूम करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर आपको ज़रूर से, जूम करना आसान है लेकिन एक बात आपको ज़रूर से यहाँ पर देखना है कि जो ये आपका स्लो बहुत चलता है। इसका मेन पर्पस आपको बुक रीड कराना होता है, तो उसका जो है प्रोसेसिंग इसमें इतनी नीड नहीं थी। तो ये प्रोसेसिंग इसकी स्लो है लेकिन ओवरऑल डिवाइस गुड है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें जो है हमारा इंटरनेट भी चलता है, मैं उसको उसकी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप इसमें जो है इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं, और इसके अपने स्टोर से आप इसमें बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसमें बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिवाइस मुझे अच्छी लगी। इसमें सबसे बढ़िया फीचर था कि इसका ये डिजिटल इंक का जो है इस तरीके से, जब पावर बटन को मैंने दबाया, देखिए आप अलग अलग वॉलपेपर सामने आते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरीके से वॉलपेपर है। पावर बटन को दोबारा दबाता हूँ, ये ओपन हो जाता है। दोबारा लॉक करने पर अलग वॉलपेपर आता है। ये कंप्लीट डिजिटल इंक है, इसका मतलब ये फ्रीज हो जाती है, इंक यहीं पे स्टोर हो जाती है जब तक कि मैं इसे अगली कमांड नहीं देता स्वीप करने की, जब तक मैं इस पे रेजिस्टिव टच नहीं देता, कैपेसिटिव टच नहीं देता। इसके इसके जो है पिक्सल्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, वो वहीं पर स्टोर रहते हैं कुछ देर के लिए, जब तक कि मैं इसको नेक्स्ट इसको टच नहीं देता हूँ। तो इस डिवाइस यूनिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना चाहते हैं, नोवेल आप रीडर्स हैं, बुक रीडर्स हैं, आप डेफिनेटली बाय करें, क्योंकि आप हर जगह अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते, स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप इस किंडल को यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये आपको डिवाइस आपके लिए हो सकता है। तो थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरीके के स्पेशल और अच्छे ही डिवाइसेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।